कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए दोस्तों, या तो आपको लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि के लिए बेहद खास है, अति विशेष है। काफ़ी सारे मिथुन राशि वाले व्यक्ति कमेंट कर रहे थे, अपना सुझाव दे रहे थे कि अभी वर्तमान में शनिदेव की ढैया चल रही है, तो जब शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाएगी तो मिथुन राशि के जीवन में किस तरीके का बदलाव आएगा, क्या परेशानियों का अंत होगा, क्या कोई बड़ा बदलाव आएगा शनिदेव की ढैया खत्म हो जाने के बाद। कुछ लोग पूछते हैं कि उनके करियर में क्या चेंज आने वाला है, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके वैवाहिक जीवन में, उनके संतान पक्ष में, उनकी पढ़ाई में किस प्रकार का चेंज आएगा शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाने के बाद। यही आज हम बारीकी से चर्चा करेंगे। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस कार्यक्रम को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर दिन, हर महीना, हर साल हमारे लिए अलग अलग प्रभाव लेकर आता है। अब शनिदेव की ढैया जब समाप्त हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि चेंज और परिवर्तन बहुत बड़ा आएगा। क्या आएगा, किस प्रकार का आएगा, चलिए करते हैं शुरुआत। 17 जनवरी 2023 में शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी आपकी, क्योंकि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 9th हाउस नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे, ठीक है। शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें घर में, आपके 3रे घर में और आपके 6ठे घर में पड़ेगी। आप समझिएगा ध्यान से कि शनिदेव आपको क्या देने वाले हैं ढैया खत्म हो जाने के बाद। जब नवम भाव में शनिदेव आएंगे अपने घर में मूल त्रिकोण राशि में, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, क्योंकि नवम भाव होता है भाग्य का, धर्म का, पिता का माना जाता है और उच्च शिक्षा का माना जाता है नवम भाव, ठीक है। तो जब अपने घर में आएंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, और इसके साथ में धर्म का होता है तो यानी कि धार्मिक कार्य, आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी, कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 के बीच में देखे जा सकते हैं, जरूर, ये जरूर होगा। इसके साथ में नवम भाव पिता का भी होता है, तो पिता के साथ में मिलकर काम करना, या पिता आपके व्यापार करते हैं, पिता आपके काफ़ी टाइम से खाली थे, एंग्जाइटी उनको हो रही थी, उनको स्ट्रेस चल रहा था, तो नवम भाव मजबूत हो जाने से आपके पिता का कार्य और पिता को जो टेंशन हो रही थी वो दूर हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि नवम भाव आध्यात्मिकता का भी होता है और लॉन्ग ट्रैवल का भी माना जाता है, उच्च शिक्षा का भी होता है। तो जो व्यक्ति काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मैं हायर एजुकेशन लेना चाहता हूँ, उच्च शिक्षा करना चाहता हूँ, पढ़ाई में और आगे जाना चाहता हूँ, तो अब आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा, आध्यात्मिकता का होता है तो आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी, कोई मंत्र जाप आप करेंगे, कोई धार्मिक कार्य आप करवा सकते हैं, कोई सामाजिक कार्य आप करवा सकते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी यहाँ पे मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की 17 जनवरी के बाद से। वहीं पहले शनिदेव आपके अष्टम भाव में थे, ठीक है, अष्टम भाव में जब शनिदेव थे, ढैया थी, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हाइपर हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, या फिर आपके घर परिवार में कोई मशीन थी, मशीनरी आइटम था, कोई इलेक्ट्रिक आइटम था या कोई वाहन था और वो आपको बार बार परेशान कर रहा था, आप उसको बार बार ठीक करवा रहे थे, उसमें पैसे लगा रहे थे, स्ट्रेस चल रही थी, टेंशन थी, आपके फैक्ट्रीज में कोई मशीन था, कोई ऑयल एंड गैस का काम था, कोई लोहे से जुड़ा हुआ चीज़ था, अगर ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी तो वहाँ से अब आप बाहर निकलेंगे शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाने के बाद। और अगर आपको किसी चीज़ की बुरी लत थी, बुरी चीज़ों पर, बुरी आदतों में फंसे हुए थे मिथुन राशि वाले व्यक्ति, अगर फंसे हुए थे, तो ये ढैया समाप्त हो जाने के बाद जरूर आप उन सब चीज़ों से बाहर जरूर निकलेंगे। जैसे कि आप किसी ड्रिंक्स में फंसे हुए थे या कोई भी किसी भी गलत काम में थे, तो जरूर आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों पे हाइपर टेंशन होना या फिर अग्रेशन आना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, ये भी थोड़ा सा कंट्रोल अभी देखा जाएगा। इसी के साथ शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें घर पर पड़ेगी, और जब 11वें घर पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो आपसे जो भी बड़े हैं रिश्ते में, आपके बड़े भाई बहन हैं, कोई भी आपसे बड़े रिश्ते में, उनके साथ में मनमुटाव थोड़ा देखा जा सकता है, ठीक है। या फिर आपके बड़े आपके आपके ऑफिस में भी हैं जो आपसे एज में बड़े हैं, तो उनसे भी छोटी छोटी बातों को लेकर कभी आर्ग्यूमेंट
देखे जा सकते हैं। यहाँ पर मेन लोगों के सवाल थे कि करियर में क्या चेंज आएगा ढैया समाप्त हो जाने के बाद। जी हाँ, आएगा। वो कैसे? क्योंकि शनिदेव जब भाग्य स्थान में आएंगे तो भाग्य को मजबूत बनाएंगे। जब भाग्य में मजबूत बनेगा तो करियर में अचीवमेंट्स, प्रमोशन मिलने की संभावना है, नौकरी मिलने की संभावना है, क्योंकि हमारा भाग्य ही सर्वप्रथम माना जाता है। भाग्य अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहता है, यानी कि हम किसी चीज़ में भी हाथ डालते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी मेहनत करते हैं तो भाग्य हमारा पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। यानी कि करियर में अब बदलाव देखा जा सकता है और जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही हैं। ये बताया दोस्तों मैंने कि शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाने के बाद किस प्रकार का फलाफल आपको देंगे शनिदेव, क्या उपाय करने चाहिए मिथुन राशि को। सबसे पहले तो रोजाना शनिदेव का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। दूसरा, सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तीसरा, रोजाना गणेश भगवान जी की निरंतर पूजा आरती जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।